यूपी के बरेली में दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली विवाद में युवक को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा, युवक का अस्पताल में इलाज जारी। दबंगों ने पुलिस के सामने दिखाई गुंडागर्दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के वाराणसी में सिपाही के बेटे ने की लड़कियों की पिटाई, पीड़ितों ने लगाई फरियाद तो सिपाही ने आरोपी बेटे को थाने में ही पीट दिया। यूपी के बांदा में शराब पीकर युवक ने किया स्कूल में हाई वोल्टेज ड्रामा, स्कूल में टीचर्स को दी जान से मारने की धमकी। स्कूल के अंदर युवक के हंगामे का वीडियो वायरल हो गया, पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ में मारपीट और खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल, हथियार के बल पर दबंगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के जालौन में मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर ली जान, दीवार में सर मारकर खुद को भी घायल किया, पति से विवाद था। बिजनौर में एक शख्स की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या, पारिवारिक विवाद के चलते की गई हत्या, नगीना थाना क्षेत्र के बेगमपुर भीमर हेड़ी गांव की घटना। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार का कहर डिवाइडर से टकराई बेकाबू बाइक, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। यूपी के बाराबंकी में पुलिस की खुली पोल, बॉक्स ड्रिल के दौरान कई फायर हुए मिस, एसपी और डीएम सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। बॉक्स ड्रिल के दौरान कई पुलिसकर्मी हथियार चलाने में फेल हुए, मीडिया के कैमरे में कैद हो गई तस्वीरें। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 7 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, 38 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। एमपी के नरसिंहपुर में तेज बारिश बनी आफत, नर्मदा नदी ने मचाया तांडव, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। बाढ़ के बीच नरसिंहपुर में नजर आई बेबसी की तस्वीरें, कई मकान पानी में डूबे, सड़क पर कई फीट जल भरा। एमपी के रायसेन जिले में बारिश के बाद बरना नदी उफान पर, डैम के 8 गेट खोलने से आई बाढ़ में सैकड़ों एकड़ फसल चौपट। बाढ़ के पानी में रिहायशी इलाके डूबने से कई लोग हुए बेघर, प्रशासन ने स्कूलों में किया अस्थायी इंतजाम। मंडला में मूसलाधार बारिश बनी आफत, जोरदार बारिश से कई सड़क मार्ग बंद हुए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश से चीर पानी डैम हुआ लबालब। कवर्धा में कैमरे में कैद हो गई हैरान करने वाली तस्वीरें, जान जोखिम में डालकर लोग पकड़ रहे हैं मछली। यूपी के मेरठ में जोरदार बारिश लाई आफत, पुलिस थाने के अंदर घुसा बारिश का पानी। मेरठ पुलिस थाने में बारिश के पानी से बढ़ी मुश्किलें, फरियादी और पुलिसकर्मियों की बड़ी दिक्कतें। यूपी के सहारनपुर से आई बाढ़ की खौफनाक तस्वीर, शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में अचानक बाढ़ का पानी आया। बाढ़ का पानी आने से कई दुकानें जलमग्न हुई, सड़कें बनी दरिया, सड़क पर तैरती दिखाई दी गाड़ियां। पाकिस्तान के कराची शहर में बारिश के बाद हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, सड़कों पर दिखा नदी जैसा नजारा। कराची में भी बारिश के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई, लोग बारिश से बेहाल। सीबीआई आज भी रिया चक्रवर्ती से करेगी पूछताछ, कल डीआरडीओ ऑफिस में सीबीआई ने रिया से करीब 10 घंटे तक की थी पूछताछ। पूछताछ खत्म होने के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया शोविक सांताक्रूज थाने भी पहुंचे, वहां से दोनों अपने घर गए। सीबीआई की पहली पूछताछ में रिया ने कहा, मेरे जाने के बाद घर पर मौजूद थी सुशांत की बहन, सुशांत से जुड़े चैट भी सीबीआई को दिखाए। सुशांत केस में सीबीआई ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी की पूछताछ, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने पूछे सवाल। सामने आया रिया सैमुअल मिरांडा और शोविक का ड्रग कनेक्शन, न्यूज नेशन के पास एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट मौजूद, पूछताछ के लिए एनसीबी भेज सकती है समन। सुशांत केस में ड्रग एंगल से एनसीबी की जांच जारी, दाऊद के ड्रग कार्टेल से जुड़े कनेक्शन, एनसीबी के मुताबिक गवाहों को प्रभावित करने के लिए रिया ने दिया टीवी का इंटरव्यू। संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, संसद में आने वाला हर शख्स कराए कोरोना का टेस्ट। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर छिड़ी सांसद और विधायक के बीच जंग, पार्टी हाईकमान ने लिया संज्ञान, विधायक राधा मोहन दास को भेजा नोटिस। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन से पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी 6 दिनों की रिमांड, ताहिर पर है मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप। अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा नोटबंदी, खराब जीएसटी और नाकाम लॉकडाउन से आई तबाही। प्रियंका गांधी ने किया जेईई और नीट के छात्रों का समर्थन, कहा छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों की बात सुनना जरूरी है।
सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर चलेगा बुलडोजर, बिना इजाजत निर्माण करने का लगा आरोप, ढहाने के लिए प्रशासन ने दिया नोटिस। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों की घेराबंदी की, जडूरा इलाके में बीती रात से जारी है मुठभेड़। भारतीय सेना को फिर मिलेगा लड़ाकू विमान का दम, अक्टूबर में आ सकता है राफेल का दूसरा जत्था, 10 सितंबर को औपचारिक रूप से वायुसेना का हिस्सा बन सकता है पहला जत्था। भारत के साथ बातचीत के दिखावे के बीच LSC पर चीन की हरकत जारी, डोकलाम और नाकुला के पास मिसाइल साइटों का निर्माण। गलवान के टकराव पर ड्रैगन के झूठ का पर्दाफाश, सामने आई चीनी सैनिकों के कब्रों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, चीन ने कभी नहीं कबूली अपने सैनिकों की मौत की बात। देश में कोरोना महामारी की बेकाबू रफ्तार, एक दिन में मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, 77,266 नए केस आए सामने। देश में कोरोना मामलों की संख्या 34 लाख के करीब पहुंची, अब तक 61,529 लोगों की गई जान, 25 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का निधन, कोरोना संक्रमित होने के बाद चल रहा था इलाज, कन्याकुमारी से सांसद थे वसंत कुमार। अमेरिका में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार इजाफा, 60,70,000 के पार पहुंचा मामला, अब तक 1,85,000 से ज्यादा की मौत, कोरोना के मामले में अमेरिका टॉप पर।